हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल काउंसलिंग जंक्शन में। मैं आज आपको इस वीडियो में आईपीयू दिल्ली बीटेक एडमिशन 2021 पे चर्चा करने वाला हूं, जिसमें जो स्पेशल पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं कि इसका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फी कितनी है, उसके बाद टोटल सीट्स कितना है, रिजर्वेशन क्या है, कोर्स इनटेक, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं आईपीयू में, फॉर्म फिलिंग जो है ये बीटेक के लिए स्पेशली ये कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाया गया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप अपना फॉर्म यदि भरना चाहेंगे तो खुद से भर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम एप्लीकेशन फॉर्म फी का बात करें तो 1200 है एप्लीकेशन कॉस्ट फॉर ऑल कैटेगरी के लिए। जो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये 8 जून 2021 से स्टार्ट हुआ है, और जो लास्ट है इसका एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑनलाइन, ये 15 जुलाई तक है। अब रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे मेनली दो टाइप का रिजर्वेशन होता है। दिल्ली रीजन के अंदर तो है ही कैटेगरी वाइज, मतलब बाहर वालों के लिए सिर्फ, मतलब एक दिल्ली रीजन के लिए 85% रिजर्वेशन होता है, उसके बाद आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 15% होता है। यदि आप किसी भी स्टेट से है, परमानेंट रेसिडेंस आप कहीं का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप दिल्ली के अंदर किसी स्कूल कॉलेज से 12th किए हैं रेगुलर से, तो आप दिल्ली रीजन के माना जाएंगे, अदरवाइज आप आउट ऑफ दिल्ली रीजन माना जाएंगे और आप 15% के अंदर आएंगे। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम बीटेक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 10+2 में 15% पे 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंग्लिश है उसमें पासिंग कम होना कंपलसरी है। यदि एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो जो यहाँ पे आप फॉर्म डाल रहे हैं इस पे एग्जाम नहीं होने वाला है। ये जो मेरिट बनेगा या काउंसलिंग होगा आपका, ये जो आप एनडीए दे रहे हैं जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला, जैसा कि आप जानते भी होंगे, और ये जेई मेंस के रैंक से इसका एडमिशन होगा। अब बीआर की बात करें तो बीआर में भी एडमिशन के लिए यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता है, ये नाटा का स्कोर कंसीडर करता है। जो नाटा का एलिजिबिलिटी कंडीशन है वही इसका भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। यदि हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो 55% इसमें बीआर में एडमिशन के लिए मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। उसके साथ साथ जो मेरिट बनता है बीआर के लिए, ये 50% नाटा का स्कोर और 50% आपने जो 10+2 में स्कोर किया है उसका स्कोर मेरिट बनता है उस पे। तो यदि आपका 10+2 में भी बढ़िया मार्क्स है तो भी आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्रांच अवेलेबल की बात करें तो काफी सारा ब्रांच इसमें है, क्योंकि लगभग 20 कॉलेज हो जाता है आईपीयू के अंदर। बहुत सारा दिल्ली में है, बहुत सारा दिल्ली के बाहर भी है, कुछ ग्रेटर नोएडा में है, कुछ हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पे ड्यूअल डिग्री भी है, 4 ईयर के साथ साथ ड्यूअल डिग्री भी है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, बायो केमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे यहाँ पे ड्यूअल डिग्री है। इसके साथ साथ जो 4 ईयर भी है, जैसे आईटी ब्रांच है, सीएससी है, ईसीई है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, ट्रिपल ई है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में जो आईटी और सीएससी का जो स्पेशल ये स्पेशलाइजेशन आया है लेटेस्ट, ये सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि आप इस सब ब्रांच के लिए इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैकेट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, जो लेटेस्ट ब्रांच भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टूल इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे। तो चलिए हम आगे चलते हैं बीआर के। तो बीआर के लिए टोटल यहाँ पे 5 कॉलेज में बीआर है, लगभग 400 के प्रॉक्स यहाँ पे इनटेक है। आप देख सकते हैं कौन कौन सा जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कैंपस में है, उसके बाद भगवान महावीर है, उसके बाद दिल्ली टेक्निकल कैंपस है, एमबीएस स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, उसके बाद वास्तुकला एकेडमी है, इस 5 ही जगह बीआर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि टोटल इनटेक बीटेक में बात करें तो लगभग 19 कॉलेज है, ठीक है। और जो टोटल इनटेक है, मतलब इसमें आप देख सकते हैं ये कॉलेज वाइज, जो ब्रांच वाइज मैंने दे दे दिया है सारा कुछ, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं। यदि
सबसे पहले अपना इंटरनेट ब्राउजिंग ओपन करेंगे, उसके बाद आईपीयू आईपीयू लिखेंगे। आईपीयू लिखने के बाद यहाँ पे आपको ये लिंक है इसको क्लिक करना है, कुछ इस टाइप का ओपन हो। पहला लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा यूनिवर्सिटी का। उसके बाद जो एडमिशन 2021-22 है इस पे जाके जो नीचे लिंक दिया गया है उस पे जाना है। उसके बाद आपको इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का ओपन होगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन 2021 है जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस टाइप के ओपन होगा। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का ओपन होगा। यहाँ पे आपको इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आई एग्री करना आपको पड़ेगा। ठीक है, एग्री करके आप आई एग्री सबमिट करके आप इसमें आगे बढ़िए। ठीक है, फिर सबमिट कीजिएगा तो इस टाइप का ओपन होगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम, उसके बाद ISD कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी चूज करना है, यूजर तो पासवर्ड रखना है। यहाँ पे वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद इसमें ये कैपिटल स्मॉल अल्फा न्यूमेरिक सब कोड होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना रखें। ठीक है, उसके बाद जो ये री इंटर करना है, सिक्योरिटी पिन जो आपको दिख रहा है ये आपको इंटर करना है इसमें, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपको इस टाइप का ओपन होगा पेज, यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। एक बार देखने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस टाइप का ओपन होगा, यूजर आईडी आपका यहाँ पे आ गया, उसके बाद में कैंडिडेट नेम है। अब आपको कंप्लीट प्रोफाइल के लिए फिर से आपको लॉगिन करना है। चलिए क्लिक किए, क्लिक करने के बाद कुछ आपका इस टाइप का ओपन होगा। अब आप इसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड पहले से है, सिक्योरिटी पिन इंटर करेंगे। मैंने पहले से सेव कर लिया है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन इंटर करके हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे नीचे जाना है, तो आप देखेंगे जो सबसे पहला है ये MBA के लिए है, उसके बाद MBA के लिए है, और नीचे जाएंगे तो ये BCA के लिए है, BBA के लिए है, उसके बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए है। यहाँ आएंगे तो आपका जो कोड है 131 है, ये आपका कोड आ चुका है जो BTEC के लिए। हम स्पेशली इसी पे क्लिक, इस पे जाके स्पेशली हम अपना फॉर्म के लिए क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसमें है आपका कैंडिडेट नेम तो पहले से है ही, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे यस करेंगे। फिर आपको जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन, इसके बाद जो है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है। ये सारा कुछ डालने के बाद यदि आपका ये परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो इस पे टिक करेंगे। फिर जाके आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको इस टाइप का यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपको इस टाइप से फिर ओपन होगा। यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट कोई भी अपलोड करना है, उससे भी आपका हो जाएगा। यदि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। अब हम यहाँ से अपना जो भी आपका फाइल है वहाँ से चूज करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू के लिए ये देता है, आप एक बार कंफर्म हो जाइए कि आप ही का है। ठीक है, उसके बाद में ये टिक करके फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर से पूछता है ये कि आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको इस टाइप से कुछ ओपन होगा। उसके बाद फिर से आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद इस टाइप से ओपन होगा। फिर से आपको यहाँ पे जो बीटेक वाला है इस पे जाना है आपको, 131 कोड पे, और अप्लाई टू क्लिक हेयर पे अप्लाई क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का आपका ओपन होगा पेज। ये पेज आपने जाके फिर से आपको जो कॉन्टेक्ट डिटेल सारा कुछ, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो कंप्लीटेड है, इसके अलावा आपका जो भी है वो सारा अभी इनकम्प्लीटेड है, तो बारी बारी से आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल पे हम आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपको फॉर्म जो है आप फिल
फील करना है, उसके बाद जो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाला है, और जो आपका डिटेल है जैसे जेंडर, नेशनलिटी, उसके बाद में रीजन, कैटेगरी, उसके बाद में सब कैटेगरी डिटेल में आप आर्मी पर्सनल है कि नहीं, सेलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी, ये सारा कुछ डालने के बाद फिर आपको एक विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट का डालना है, ये आपको डाल के और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है फिर से। फिर यहाँ पे आपको यस करना है। अब जो इस टाइप का आपका ओपन होगा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये सब एक बार आप देख के फिर आगे बढ़िए, सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको, फिर सबमिट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना ये एकेडमी का डिटेल डालना है, ठीक है, हम यहाँ पे पासिंग का डिटेल, पासिंग का है, स्टेटस डालना है, पासिंग ईयर डालना है, बोर्ड डालना है, उसके बाद में रोल नंबर, इंस्टीट्यूट का नाम, रिजल्ट, मोड डालना है, मैक्सिमम मार्क्स डालना है, उसके बाद मार्क्स आपने अटेंड कितना किया वो डालना है, परसेंटेज, सारा कुछ डालने के बाद फिर सेवन कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद इस टाइप का, इसमें आपको अपना जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर और ईयर सेलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर इस टाइप का आपको कंफर्मेशन पूछेगा, यस करके जब आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप का आपका ओपन होगा। आपका अब यहाँ पे सिग्नेचर अब अपलोड करना है, जहाँ भी आपका सिग्नेचर का फाइल हो आप चूज कर लीजिए, जो ये की फॉर्मेट जेपीजी में डालना है और कितना केबी का फाइल होना चाहिए ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, फाइनली इसे वेरीफाई करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब आपका ये प्रीव्यू के लिए आ गया है, प्रीव्यू आ गया फाइनल सबमिट के लिए, एक बार इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, देखने के बाद यदि सारा कुछ सही है तो ही आप इसको फाइनल कीजिए, अदरवाइज अभी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, यदि सब कुछ है ही सही है तो डिक्लेरेशन टिक करके और सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें। और आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है ये इनकम्प्लीट है, पे रजिस्ट्रेशन फी है, यहाँ पे जो व्यू कैंडिडेट प्रोफाइल है पे रजिस्ट्रेशन फी है, ठीक है, आप पे रजिस्ट्रेशन फी के क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इस टाइप से आपका पेज ओपन होगा, 1200 रुपये का आपका पेमेंट है, मोड सेलेक्ट कीजिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए, पे कीजिए, सारा कुछ आपको यहाँ, दो गेटवे है पेमेंट का, आप किसी को भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने SBI सेलेक्ट किया, SBI सेलेक्ट करके प्रोसीड को पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट क्रेडिट कार्ड डालिए, उसके बाद में कार्ड डिटेल डालिए यहाँ पे, उसके बाद आप प्रोसीड करते जाइए, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करें या अबाउट में जाके मेरा नंबर है, नंबर पे कॉल करें, ठीक है, थैंक यू।